मावा शंभु देवने दंडो से मावा संदो जगुने मावा गोंडवाना मावा राजवाड़ा किंज कोये मावा शंभु देवने दंडो से मावा संदो जगुने मावा गोंडवाना संदो जगुने मावा गोंडवाना दोस्तों अभी ये जैसे पचमढ़ी से हम गाड़ी पार्क करके हम चलते निकले हैं, मेरे ख्याल से 3 या 4 किलोमीटर ऊपर हमें जाना है चलते हुए। तो शंभु को समझने के लिए हमें ये फर्स्ट स्टेप मिला है जिस क्षेत्र का नाम दिया है गुप्त महादेव। अभी क्या पता नहीं केव है, आइए थोड़ा देखते हैं। गोरा के पिंडी है, लेकिन इन पत्थरों से ये मेल नहीं खा रहा है। एक्चुअली ये पेन बाद में बसाए गए हैं, ये प्राचीन हो सकता है। ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो प्राचीन है। हाँ, ऊपर का रखा गया है वो संगमरमरित है और बाकी स्थापना की गई है। तो ये प्राकृतिक गुफा ऐसे भी हो सकती है, ये कुदरत का एक अलग रचना है जी। और ऐसी कुदरत अनेक जगह अपने अलग अलग दर्शन करती है, दर्शन दिखाती है। लेकिन ये पंजा अगर प्राचीन होता तो इस पे कार्बन आता। ये पंजा अगर प्राचीन होता तो इसमें कार्बन आता, ये इस जैसा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये है कि किसी ने खुरेदा है या कुछ करने की कोशिश की है, छेड़खानी करने की कोशिश की है जी। तो यहाँ शंभु माधव रहते थे, निवास तो यहाँ पे आदमी बैठ के चिंतन कर सकते हैं, एकांत में जा सकते हैं। जो एकाग्रता तंद्री जोग वाली ध्यान या तो फिर विश्रांति स्थल भी कह सकते हैं, जैसे भ्रमण में रहते थे। अभी हम बाकी लोगों जैसा नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे ये हुआ था यहाँ पे वो हुआ था, हम साइंटिफिकली अपने गोंडी थ्योरी के अनुसार सोचेंगे। तो ये हो सकता है ये वो जगह है जहाँ पे आज आप भी बैठेंगे तो बढ़िया से आपको एकाग्रता मिल जाएगी। ये दोस्तों ये गुप्त महादेव जो है वो हमने देखा है, ये चिंतन की जगह है। कोई भी आदमी आके एकाग्र हो जाता है, जोग तंद्री को वो सफल बना सकता है। ऐसी वो जगह है प्राकृतिक, ऐसी जगह को सेवामान जहाँ पे हमारे शंभू के पैर लगे हैं, तो इस जगह को सेवामान करते हुए हम आगे चलते हैं। रे ला 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 रे
तारे धन गावा नालुम सगाना ठिकाना मावा वेली ते ती साटे सगा वेली तल्ली उड़ाने इतु केड़ा मावा आंधु मेटा मावा जल जंगल जमीने मावा संदु जगुने मावा गोंडवाना संदु जगुने मावा गोंडवाना सेवा जोहर दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पचमढ़ी यानी महादेव को जाने का स्टार्ट किया और इस बीच सभी लोगों के पेशेंस की यहाँ पे परीक्षा होती है क्योंकि ये अभी तो कोई नहीं दिख रहा, मेला के समय बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है और बड़े श्रद्धा के साथ जाते हैं। तो इसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, शंभू को बाहरी जो प्रदेश से आए थे लोग आक्रमणकारी, उन लोगों ने भोजन के मार्फत उनको जहर दिया था। शंभू मूर्छित पड़े थे और वही टाइम है जहाँ से हमारे लोग शंभू को देखने के लिए बड़ा बहन से प्रार्थना करते थे कि वो जल्दी ही शंभू ठीक हो जाए। इसलिए आज भी हमारे गोंडियन जो गाथा होते हैं उसमें जो गाने गाते आते हैं, पाटे गाते आते हैं, कभी आप मेले में आइए तो आप सुनिएगा, तो उनका जो पाटे का सुर होता है ना वो इमोशनल होता है। तो आज भी हमारे गोंडियन सगा यहाँ से आते ही इमोशनल पाटा गाकर शंभू तक पहुँचते हैं, शंभू से करते हैं। मैं शंभू की थ्योरी आपको ऊपर ही बताऊँगा। फिलहाल आप देखिए एमपी का ये हिल स्टेशन है और यहाँ से आज अभी टाइम हुआ है 10 बज रहे होंगे और इस टाइम भी बहुत फॉग है, तो आप अगर 6-7 बजे इसको देखेंगे ना तो और ज़्यादा फॉगी लगेगा। तो ये पूरा हिल स्टेशन है, हम चल रहे हैं ना तो इसलिए हमें ठंड भी नहीं लग रही है, बट हम चढ़ते जाएंगे तो ठंड नहीं लगेगी, एग्जर्शन होगा, बट यहाँ पर बहुत ठंड है। आप कभी भी आइएगा तो थोड़ा सा स्वेटर वेटर लेके आइएगा। तो चलिए कैमरामैन, मावा राजवाड़ा के जा कोया मावा शंभु देवने दंडो से मावा संदो जगुने मावा गोंडवाना मावा राजवाड़ा के जा कोया मावा शंभु देवने दंडो से मावा संदो जगुने मावा गोंडवाना संदो जगुने मावा गोंडवाना महादेव के स्थान पर पहुंचा हूँ। पर एक्चुअली ये जो इसके बाजू में टेंपल जो बना है वो अभी का है, तो वहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है। लेकिन एक्चुअली बहुत लोग सोचते हैं कि शंभू कैसे होंगे
और बहुत सारे धर्मों की विचारधारा भी अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी दंत कथाएं की उदंतियाँ बताते हैं। लेकिन यहाँ के मूल गोंड ट्राइब यानी गोंडवाना के क्षेत्र में यह पेंकमडी कोट आता है और इस कोट में रहने वाले गोंडियन ट्राइब की थ्योरी सबसे अलग है और वही थ्योरी आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे त्रिशूल नज़र आ रहे हैं और यही नज़ारा है ऊपर में और नीचे में एक प्राचीन थोड़ा सा बाजू में प्राचीन हमें मंदिर नज़र आएगा, प्राचीन पेंट थाना नज़र आएगा वो कि शंभू का था। अभी आपको बता देंगे कि पेंकमडी कोट में शंभू यहाँ से हमारे एरिया में पूरे एरिया में अपना राज चलाते थे, वो थे राजा। और शंभू की जो मूर्छित होने की मैंने जो कहानी बताई आपको कि वहाँ पे वो मूर्छित हो गए थे जहर खाने की वजह से और फिर गोंडियन समुदाय आने लगता था, तो शंभू ने जो मार्ग दिया है वही ये मार्ग है मुंदसूल सर्री। ये कोई घोपने का मारने का हथियार नहीं है, ये मुंदसूल सर्री है जो कि शंभू ने हमें मार्ग दिया है। इसलिए आज भी हमारे सगाधारी ये मुंदसूल सर्री का प्रतीक लेकर यहाँ पे आके जमा करते हैं इसको और ये जमा करके ये बोलते हैं कि हम मोद वेड़ची अवस्था में जाने के लिए तैयार हैं, हम पुनेम को अपनाने के लिए तैयार हैं और इसी वजह से ये जमा हुआ है। लेकिन क्या हुआ, त्रिशूल तो पहले भी आते थे और आज भी आ रहे थे लेकिन सोचने की विचारधारा बदल गई। पहले वो उस विचारधारा से आते थे कि शंभू ने हमें मार्ग दिया है और अब इस विचारधारा से आते हैं कि हम त्रिशूल ले जाएंगे और कुछ करेंगे तो शंभू हमारे दुख दर्द दूर करेंगे। पहले जो लोग आते थे त्रिशूल लेकर तो वो ये जानते थे कि हम पुनेम के मार्ग पर चल रहे, लेकिन अब जो आ रहे वो ये सोच रहे कि शंभू एक भगवान है। अलग अलग विचारधाराओं से भरा यह अपना देश है और इस गोंडवाना की धरती में हमें शंभू की मेन पेंकमडी कोट को हमें देखने को मिला और आज भी और जाते टाइम भी आपको जितने स्पॉट लगेंगे उतने सभी स्पॉट मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। गोंडियनों की क्या किंवदंती है ये भी बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो से किसी धर्म जाति संप्रदाय को ठेस पहुँचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो से यह चैनल यहाँ के ट्राइब का है, आदिवासी इंडिजिनस लोगों का है, तो उस हिसाब से उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है, ये मात्र हम अपने वीडियो में बताते रहेंगे। सेवा जोहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के दोस्तों आज मैं हूँ पेंकमडी कोट में और अगर आप गोंड ट्राइब का इतिहास ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए सही है। पेंकमडी कोट में अनेक धर्मीय अनेक पंथीय लोग यहाँ पे आते हैं और दरअसल ये जो राउंड है सतपुड़ा का, एक्चुअली सतपुड़ा का थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, सतपुड़ा यानी सात पहाड़ों का श्रृंख नहीं होता। लोग बोलते हैं कि संस्कृत में सत यानी सात होता है, संस्कृत में सत्य यानी सप्त होता है, तो इसको सप्तगिरी बोले होंगे, सप्तपुड़ा बोल सकते थे लेकिन उन्होंने सतपुड़ा बोला। तो ये सत्य जो शब्द आता है ये गोंडी से रिलेटेड आता है। चलिए इस क्षेत्र की बात छोड़ते हैं। एक्चुअली शंभू शंकर महादेव इतने अनेक नामों से जाना जाता है, महाकाल महाडोम बोला जाता है शंभू को, तो अनेक अनेक लोग आते हैं कि किन को लगता है कि शंभू आशीर्वाद देने वाले भगवान हैं, किन को ये लगता है कि शंभू ने इस पूरे विश्व को बनाया। लेकिन एक्चुअली मेन थ्योरी ये है कि यहाँ पर रहने वाले प्राचीन प्रोटो द्रविडियन गोंड ट्राइब जो सबसे प्राचीन है वो लोगों का क्या सोचना है ये मैं आज आपको बताऊँगा। तो सीधी बात ये है कि जो आप शंभू शंकर महादेव अनेक नामों से जिनको महाकाल महाडोम बोलते हो वो एक्चुअली इस धरती के राजा थे और ये बात है सिंधु सभ्यता काल जो घाटी थी जिसका 10,000 साल पहले की बात करते हैं उससे भी पूर्व के ये बात है। अभी शंभू कौन होते थे, शंभू तो राजा होते थे लेकिन उनका चयन गणतंत्र पद्धति से किया जाता था, शंभू का लड़का शंभू नहीं होता था और ऐसे अनेक शंभू बने हैं जिनकी संख्या है 88 और 88 शंभू बने हैं, इसलिए गोंडी में एक वर्ड आता है अरु अरु शंभू वरु वरु शंभू। 88 शंभू का जो जोड़ी है, पहली शंभू मूला है, शंभू बेला है, शंभू सती है, शंभू गिरजा है, शंभू पार्वती है, ऐसे शंभू गौरा है, ऐसे बहुत सारे शंभुओं की जोड़ी है और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। यहाँ से आप देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा और इतिहास स्पष्ट करूँगा। महाराष्ट्र में मेलघाट है जिसे मेलकोट बोला जाता है, वहाँ से भी बारात निकली थी, वो मुलताई गई थी, मुलताई से हम जब वो जुन्नार देव आए थे तो जुन्नार देव में उनका विवाह हुआ था। और ये जो क्षेत्र है ये एक तो सबसे चोटी पर है और दूसरी बात है ये बिहड़पूर्ण ट्राइब का जंगल है। तो आप अगर इस पेंकमडी के आसपास में जाएंगे तो आपको रॉक शेल्टर मिलेगा यानी प्राचीन चित्रलिपि मिलेगी जो कि 30,000 साल पहले की है।
अभी 30,000 साल का ये पता तो चला कि अगर 30,000 साल पहले की पेंटिंग मिल रही है, इसका मतलब ये कि 30,000 साल पहले मानव भी था। तो 30,000 साल पहले अगर मानव था तो वो कौन था? तो ये साबित हो रहा है यहाँ से कि यहाँ पे वो गोंडियन था, ये शायद हो सकता है वो कुरकू था, शायद हो सकता है वो गोंड था, शायद हो सकता है वो दूसरे ट्राइब का था। लेकिन यहाँ पे टाइगर रिजर्व जोन के तहत यहाँ पे गांव बसाए, गांव उठाए जा रहे हैं वो सभी ट्राइबलों के। आज हम स्टार्टिंग में आए थे, एक हमें भैया मिले थे जो नींबू शरबत बेच रहे थे, उनसे पूछा गया तो वो बोले कि हम कुरकू समुदाय से। उनसे जानकारी निकाली तब ये पता चला कि पिंक मेडिकोट के आसपास के सभी गांव में ट्राइब बसते हैं। यहाँ तक कि बुरा भगत क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ पे गोंड ट्राइब का पूरा बेल्ट आता है पूरा। वहाँ से तो मेरे ख्याल से पतालकोट को लेकर, तो वहाँ से जाएंगे तो छिंदवाड़ा तक, मुल्ताई तक, पूरा बेल्ट गोंड ट्राइब का आता है। तो इससे ये साबित होता है कि गोंडियन इतिहास यहाँ पर है। कौन किस विचारधारा से सोचते हैं उसका हमें लेना देना नहीं है, हमें अपने इतिहास के साथ लेना देना है। आज हम अलाइव ब्रेथ गोंडियनों का इतिहास उजागर करने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारी जो किंवदंती है, हमारा जो काम है, हमारा साइंटिफिक है, हमारे कहानी में हमारे शंभु चमत्कारी नहीं थे। शंभु ने लोगों को बताया कि तुम्हारे शरीर में तीन प्रकार की शक्तियाँ हैं जिसे मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक कहते हैं, और उसी शक्तियों को इंगित करने के लिए शंभु ने त्रिशूल यानी तीन प्रकार के मार्ग हमारे सामने रखे। लेकिन बाकी लोगों ने उसको घोपने का बताया, उसने रौद्र रूप बताया। अरे इतने सारे लोगों को संभालने वाला एक शंभु पोए राजा है, क्या वो हमेशा क्रोधित होता है? नहीं, उसमें बहुत सहनशीलता होगी, बहुत बुद्धिमान होगा। और ऐसे शंभु को, एक आदमी के जटा से कोई नदी निकल सकती है? नहीं निकल सकती। वो जो सर्प उनके ऊपर दिखाया जाता है, एक्चुअली वो उनका टोटेम हो सकता है, वो उनका पूजनीय हो सकता है, उनके पास कोंदाल दिखाया जाता है। तो तब थी खेती व्यवस्था, तो खेती में सबसे ज्यादा काम में आने वाला अगर कोई प्राणी है तो वो बैल है। तो उस बैल को आज भी गोंडियन ट्राइब खाते नहीं है, उसको पूजते हैं। तो वो बैल जो है वो उसका टोटेम है। इन सभी चीज़ों को तो हमें समझना है। तो इस पिंक मेडिकोट में आके बहुत बढ़िया लग रहा है। सभी जब हमारे गोंडियन लोग यहाँ पे आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं, तो अपने अपने विचारधारा के साथ आते हैं। अभी हम किसी को भी ये नहीं कर रहे, लेकिन सीधी बात यह है कि शंभु को हमें और समझना पड़ेगा। जितना हम इस शंभु को जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, और बड़ा कुछ करने लगेंगे। और इसलिए इस इतिहास को उजागर करना बेहद ज़रूरी था। हमारे साथ तिरुमल प्रकाश सलामी जी भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी अभी उम्र हो गई है 60 के ऊपर, और उनको शुगर और बाकी प्रॉब्लम होने के कारण हमने उन्हें नीचे ही रख दिया है, और हम जो बच्चे हैं वो ऊपर आ गए हैं। तो पिंक मेडिकोट ज़रूर आइए और यहाँ पे अपने रियल शंभु को मिलिए, शंभु को जानिए। देखिए यहाँ पे अभी वो जो स्टैचू बने हैं, मेरे ख्याल से उस स्टैचू से वो रियल जो शंभु है वो कुछ अलग ही होंगे, कुछ अलग उनका पहरा होगा, कुछ अलग वो दिखते होंगे। लेकिन आज उन्होंने वो स्टैचू के तहत दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन एक याद रखिए, वो राजा थे, चमत्कारी भगवान नहीं थे। तो हमें उनके बताए मार्ग पर चलना है, ना कि उनसे ये अपेक्षा करनी है कि मैं पैर पड़ूंगा तो वो तुमको आशीर्वाद देंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। काम तुम्हारे तुमको करना है। शंभु एक हमारे पोए राजा थे जो कि पूरे समाज को एक बड़ा मार्ग देखते हुए मार्गदर्शक थे और मार्गदर्शक रहेंगे। ये 88 शंभु की जो जोड़ी है वो हमेशा ही अलग अलग क्षेत्रों में रही है। आप महाराष्ट्र के अमरावती जाएंगे तो वहाँ साल बड्डी, सल्ले बड्डी मिल जाएगा आपको। आप हिमालय की तरफ जाएंगे तो वहाँ अमरनाथ की गुफा मिल जाएगी, वहाँ पे भी शंभु गौरा पिंड मिलेगा। यानी 88 जो शंभु हुए हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए हैं। सभी शंभु इसी जगह पे नहीं आए थे, सभी शंभु आए भी तो होंगे, चयन यहाँ होता होगा, फिर भी वो शंभु का अलग अलग ठिकान पे हमें उनका निवास स्थान मिलता है। यहाँ पे जितने गुफा केंद्र हैं, केव्स है, वो केव्स यही बता रहे हैं कि ये शांत जगह थी जहाँ पे शंभु शांति में बैठकर एकाग्रता से चिंतन मनन करते थे और फिर अपने पुण्यम को जानते थे। ये बिहड़ क्षेत्र उतना ही है, आपको पता है, आप नोट कर लीजिए ये मेरी बात कि जब जत्रा में आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ट्राइब होते हैं, और जो ट्राइब होते हैं वो यहाँ पिंक मेडिसन आ चढ़ते हुए वो सीधा भूरा भगत से चढ़ते हैं, 12 किलोमीटर चल के आते हैं, और वो भी बड़े बड़े त्रिशूल लेकर। ये जो पेशेंस हमारे ट्राइबों में है, और ट्राइब ने जान लिया है कि प्राणियों के साथ कैसे रहते हैं। लोग यहाँ पे आते हैं और बंदरों को इधर उधर भगाते हैं, उसकी मजाक करते हैं। अरे बाबा, बंदर तुम्हारे क्षेत्र में नहीं आए हैं, तुम बंदरों के क्षेत्रों में आए हो, तो इसलिए वो तुमको दिक्कत करते हैं, तुम कुछ खा रहे हो तो वो छीनना चाहते हैं। प्रकृति को बचाना ज़रूरी है, तो ये प्रदूषण रोकना भी ज़रूरी है। सभी को कहना चाहूँगा, आप पिंक मीडिया आते हैं तो जो भी कचरा होता है, पानी की बॉटल्स होती है, खुद हाथ में लेकर चलिए, चाहे वो पूरी ख़त्म हो जाए उसको हाथ में ही लेकर चलिए, और ऐसी जगह कचरा कुंडी में डालिए जहाँ से ध्वनि प्रदूषण या मिट्टी का प्रदूषण ना होता हो, पेड़ों को प्रॉब्लम ना होता हो, क्योंकि ये अगर हज़ारों पीढ़ी तक पहुँचाना भी है ना, तो हमें आज से इसकी खबरदारी लेना पड़ेगी।
तो इस मेरे टूर पर मेरे दोस्त मेरे जो स्टार्टिंग में मेरे साथ रहे थे राजू ध्रुवे जी मेरे साथ हैं, कैमरामैन अमित सोयाम भी मेरे साथ है और विठल आलम जी भी मेरे साथ है। तो इस वीडियो को यहीं पे हम रोकेंगे और फिर और जर्नी दिखाएंगे। हो सकता है यहाँ से हम जंगोदाई तक पहुँच जाएँ और महादेव से सीधा जंगोबाई का जो सफ़र है वो आपको दिखाते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय राजा राव नाना भम शरण भूमि मावा, राजा राव नाना भम शरण भूमि मावा। इद वर्व गड़त दरबा साले कसात सलबा, इद वर्व गड़त दरबा साले कसात सलबा। राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा, राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा।